देख रहे हैं ये मछली फंसना छोड़ के डोर फंसल है। ये फंसल है, दो तीन को मछली बाकी तो चोरी हो गया कि का ऐ दे, इधर मछली फंसल है, उधर तो नहीं था, एगो डोंडे था। इधर फंसल है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पुठिया मछली बोलते हैं इसको हम लोग। का फंसा रास्ते में और फंस के एकदम मार भी गया अभी। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे संग्राम विलेज चैनल में। और आज मैं आया हूँ हम लोगों का ये दक्षिणी कोयल नदी, और हम लोगों का ये सरहुल भी पहुँचल है। और सरहुल में हम लोगों का मेहमान लोग आता है, तो मेहमान लोगों को लिए ये तो कपड़ा लत्ता देना पड़ता है, इसलिए मैं आ गया हूँ अभी। ये देख पा रहे होंगे ये कपड़ा लत्ता है, इस सबको धोऊँगा और धोने के बाद इस कोयल नदी में मैं स्नान करूँगा। और ये जो चट्टान दिखाई दे रहा है, इस चट्टान में अभी सभी लोग कपड़ा धो के पसारेंगे तो ये पूरा चट्टान भर जाएगा, क्योंकि सभी के घरों में मेहमान आते हैं तो ओढ़ा हुआ कमरा लेदर को तो नहीं दे सकते हैं ना, इसलिए सब अपना अपना कपड़ा को यहाँ धो के पसारता है। तो ये रही हमारी दक्षिणी कोयल नदी, बहुत ही खूबसूरत नदी है हम लोगों का, और हम लोग इसी में पूरा नहाने धोने आते हैं। और ये देख पा रहे होंगे इतना कपड़ा को मैं धो चुका हूँ और इतना धो लिया हूँ, और इधर कुछ धोने के लिए बाकी है, ये सबको भी धोऊँगा। और धोने के बाद मैं इसमें सब कपड़ा धो लेने के बाद इसमें स्नान करूँगा। और ये है दक्षिणी कोयल नदी में बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी, और बिल्कुल नीला कलर में बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, इसी में अभी पूरा धोएंगे। और इसी कोयल नदी में हम लोग ये अपना ये जो कर्मा का त्यौहार होता है, कर्मा का विसर्जन हम लोग यहीं पर करते हैं इधर, और उधर ऊपर की ओर हम लोगों का ये 15 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये मेला भी लगता है, और ये मेला चित्री डांडू मेला के नाम से प्रसिद्ध है। और इस कोयल नदी में ये ऊपर की ओर ये दादा भौजी लोग ये रात में फांसा जाल रोपे हैं, तो इस फांसा जाल में रात में मछली फंसा कि नहीं उसको आइए देखते हैं, कितना मछली फंसल है, छोटका छोटका है कि बड़का बड़का है। और यहाँ जाल फंस गया है, इसको निकाल रहे हैं चट्टान में, यहाँ जाल फंस गया है, उसको निकालेंगे, उसके बाद दिखाई देगा कितना कितना मछली फंसल है। ये है फांसा जाल, ये फांसा जाल में देख रहे हैं ये मछली फंसना छोड़ के डोर फंसल है। इधर और का जन इधर मछली है कि डोर है, तो इस तरह से डोर सांप बुरी तरह से जाल में फंस चुका है, अब इसको मेहनत से निकाल रहे हैं इसको। ये कब फंसा रास्ते में और फंस के एकदम मार भी गया है अभी तक। भाग चाप तो जिंदे हो बस, नहीं करने का मोरल चाहे अति हो तो दूने फेंक देबे बस, तो आदमी मध्य बाल देने उनने फिर खींच मछली चोरी हो गया है, दुए को है फांसा जाल में। ये फंसल है, दो तीन को मछली बाकी तो चोरी हो गया कि का और बाकी डोर फंसल था, तो इस तरह से देख सकते हैं दो तीन को मछली फंसा है, बाकी डोर फंसल है इसको।
भैया मार रहे हैं, मार कर मुरा दिए हैं अभी, और इसको उधर फेंकेंगे। यहाँ फेंकने से तो महके का गंध देगा, इसलिए वो उधर कोयल के उस पार। तो दोस्तों इधर वाला जाल में तो मछली नहीं फंसल था, डोंडे फंसल था और दो तीन गो मछली था। और इधर और रोपे हैं हम लोग का ये दादा भौजी सब, उसको उधर देखते हैं अभी कितना फंसल है कि उधरों चोरी हुआ कि तब। इधर तो मछली फंसल है, देख रहे हैं इधर मछली फंसल है, उधर तो नहीं था, एगो डोंडे था। इधर फंसल है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पुठिया मछली बोलते हैं इसको हम लोग। और आगे देखते हैं इधर। और इस तरह से गर्मी की शुरुआत होते ही ये पानी पूरा सूखते जा रहा है एकदम कोयल नदी का, और मोटरसाइकिल भी पार हो जा रहा है एकदम इस पार से उस पार। और इस तरह से इधर पार करके मोटरसाइकिल इधर आ गया है कपड़ा धोने तरफ। तो अभी गर्मी का शुरुआत है, पानी भी नदी का एकदम ख़त्म होने वाला है, पूरा बरसा ये पूरा गर्मी अब कैसे चलेगा पता नहीं। खोले नहीं दिले तंदिर निकला ले नहीं, ज्यादा महिला नहीं है तुरंत निकला दिले। हां तो चल हाँ तो क्या कर, काम तो करे है नहीं। और इस तरह से दो चार लोग बगल के गांव वाले मछली मारने आ रहे हैं, और यहाँ पर वो लोग फंसा जाल लगा रहे हैं। और इधर ट्रैक्टर से बालू का चोरी हो रहा है पता नहीं, या प्रशासन की मंजूरी है मुझे पता नहीं। और ये देख सकते हैं छोटा यहाँ बड़ा बड़ा बालू है, और उसके बाद इधर छोटा बालू है, और यहाँ भी ये खूबसूरत सा बालू है और छोटा छोटा। इस तरह से मेरा सारा कपड़ा आज का धोआ गया है, और अब मैं चलता हूँ इस कोयल नदी में नहाने। मस्त नहाऊंगा एकदम आधा घंटा तैर तैर के, डुबकी मार के, उसके बाद ये कपड़ा सबको साइकिल में लाद के चलूंगा घर, और घर ले जाके घर के पास टांगरा में इसको घाट दूंगा सूखने के लिए। अब मैं चलता हूँ इस कोयल नदी में नहाने। तो इस तरह से मैं कपड़ा धो के अब इस कोयल नदी में अब मैं नहा लिया हूँ, और नहाने के बाद बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रहा है। अब मैं चलता हूँ इस कपड़ा को समेटने, और समेटने के बाद घर तरफ उधर टांग रहा है जटान है उधर, इसको ये पसार देंगे सूखने के लिए। ये रहा मेरा घर, और ये रहा मेरे घर का पिछुआनी, और पिछुआनी में इधर हम लोग झूरी काठी रखे हैं, उसी में कपड़ा को पसार दिए हैं, और ये एक घंटा के बाद सूख जाएगा तो समेटेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग वीडियो, हम लोगों का कपड़ा धुलाई, और हमारे ये दक्षिणी कोयल नदी, और ये मछली का जाल फांस। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।